दोस्त एक बात पूछो। तू फिर शुरू हो गया। पूछ। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं? क्योंकि उनमें गैस होती है। सिंपल। गैस तो दुबे सर के पेट में भी होती है, फिर वो क्यों नहीं उड़ते? क्या हुआ दोस्त? पार्टनर, मेरे पेट में कल से गड़बड़ हो रही है, अब वापस शुरू हो गई। मेरे सामने क्यों एक्टिंग कर रहा है? मैं क्या दुबे सर हूँ जो तुझे छुट्टी दे दूंगा? अरे नहीं यार, सच में दर्द हो रहा है। मम्मी ने चूरन भी दिया है, बोला था जब दर्द हो तो खा लेना। तो खा ले, बता क्यों रहा है? चुप जा। क्यों? राठी सर की कार आ रही है, हमें यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे टाइम पे स्कूल आया करो। अरे ये तो यहीं पे रुक गए, लगता है गाड़ी खराब हो गई है। हाँ तो सब लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं? पूछे हम एक सवाल। तो चलिए बताइए, भारत में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है? जीवा नीचे का देख रहे हो, जवाब दो। थल जमीन पर। चुप, उल्टा सीधा जवाब देने में तो सबसे आगे हो। सर। बुद्धदेव नींद से उठ गए? ठीक है बताओ। सर भारत में सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी में होती है। ये गजब कैसे हो गया? कहाँ खाए हो नाश्ते में, या सर किसी पत्थर से टकराया? अच्छा अब बताओ, पानीपत की लड़ाई कब से शुरू हुई और कब खत्म हुई? सर पानीपत की लड़ाई पेज नंबर 23 से शुरू हुई थी और पेज नंबर 25 पर खत्म हुई थी। अच्छा तुम भी बद्रीनाथ, चलो बताओ। पानीपत की लड़ाई 1761 से 1771 के बीच हुई। एक मिनट देखने दो जरा। हाँ सही है, शाबाश। तुम लोग कब से पढ़ाई करने लगे? सर पढ़ाई से ही आदमी महान बन सकता है, और हम आप जैसा महान बनना चाहते हैं। हाँ सर, हमें अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। दादा दादी का नाम रोशन करना है। सर और कोई नाम आप बताओ जिसका नाम रोशन करना हो। हाँ लितिक का कर दो। चुप रहो, किसी का नाम रोशन करने की जरूरत नहीं, तुम से पढ़ाई करो। और बाकी सब लोग साइंस का 5वां चैप्टर को याद करके रखना, हम लंच के बाद सवाल पूछूंगा। ओह माय गॉड, व्हाट अ मिरेकल। मुझे तो लगा था 3-3 ज्ञान आ गए हमारे क्लास में। या बुद्ध और बद्री अचानक इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए क्लास में? एकदम 3 Idiots के आमिर खान जैसे। थिंक गर्ल थिंक, इसके पीछे जरूर कोई सीक्रेट है और वो हमें पता करना ही होगा। हाय गाइस, क्या बात है, आज तो तुम दोनों ने क्लास में बाजी मार ली। तुम दोनों इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए? ऐसा तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। सपने में सोचते नहीं, देखते हैं। वाओ, यू आर सो इंटेलिजेंट। मैं हमेशा सायरा को कहती थी दीज बॉयज आर वेरी इंटेलिजेंट। और वो इतने इंटेलिजेंट क्यों नहीं होंगे, हमारे दोस्त जो है ना? तो फ्रेंड्स हमारी हेल्प नहीं करोगे क्या? हमें अभी तक साइंस का लेसन लर्न नहीं हुआ है और तुमने झट से सब कर लिया। कैसे किया? कुछ नहीं, चूरन खाया और हो गया। क्यों बुद्ध? हाँ, बुद्धिवर्धक चूरन। बुद्धिवर्धक चूरन। हाँ? गाइस अब किसी को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। क्यों, दूबेथल ने टेस्ट कैंसिल कर दिया क्या? नो, हमें इंटेलिजेंट बनने का सीक्रेट पता चल गया है। कैसा सीक्रेट? कौन सा सीक्रेट? कहाँ है सीक्रेट? वही सीक्रेट जिससे वो दोनों इडियट स्मार्ट बन गए। लिसन,
टाइमिंग का चक्कर है। मुझे तो ये बुद्धि वर्धक नहीं बुद्धू वर्धक तुलन लगता है। स्मार्टर इंटेलिजेंट मजा आ गया एकदम लल्लन टॉप। अले तुम लोग यहाँ बैठते हो हम लोग तुम्हें थाले स्कूल में ढूंढ लेते। क्यों? तुम दोनों ने दुबे सर के सवालों का जवाब देकर अपने क्लास का नाम रोशन कर दिया और इसीलिए हम तुम्हें ट्रीट देना चाहते हैं। तलाव दे दो। ट्रीट के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं लेकिन इतना ताला खाओगे तो हजम कहते होगा। अरे हजम करने के लिए इनके पास चूरन है ना? हाँ चूरन तो है। तो क्लीप के बदले वो तूलन हमको दे दो। तेरे दोस्त तेरा पेट तो ठीक हो गया है। ये लो मुझे 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 तुम बताओ शरीर के अंदर खाने में पाचक तत्व कहाँ मिलाया जाता है? अब ऊपर का है देख रहे हो इतना आसान सवाल का जवाब नहीं पता। करण तुम बताओ। चूरन तो खाया था पर आंसर क्यों नहीं आ रहा? लगता है हमने कम खाया लेकिन जीवा ने तो सबसे ज्यादा खाया था आंसर उसको भी नहीं पता। क्या खुजुर पुजुर हो रहा है वहाँ? जवाब दो आंसर गिव मी सर। इका बोलो। हमारे खाने में पेट के अंदर पाचक तत्व मिलाए जाते हैं। अरे बिल्कुल सही देखो सब इनको और कुछ सीखो इनसे सब मस्ती करते रहते हैं किसी ने पढ़ाई नहीं की है ना? कल हम तो पढ़ाई करने वाले थे लेकिन इन दोनों ने हमें तूलन दे दिया। चूरन का बुधबद्री अब का स्कूल में चूरन बचने लगे? अरे कौन सा चूरन बेचते हो तुम गैस का? सर हमने कोई चूरन नहीं बेचा है सबने खुद हमसे लेकर चूरन खाया। वैसे आपको गैस वाला चूरन चाहिए क्या? बुद्ध देव के पास है थोड़ा सा आप भी। चुप रहा क्यों लिया सबने इनका चूरन? सर इन्होंने हमसे कहा कि ये बुद्धिवर्धक चूरन है। हाँ और इसे खाकर ये इंटेलिजेंट बन गए और ट्रीट के बदले उन्होंने हमें वो चूरन दे दिया। लेकिन थर उस तूलन से कुछ नहीं हुआ हम था तूलन खाकर भी कोई आंसर नहीं दे पाले। ओहो तो ये चक्कर है वही हम सोच रहे थे कि आज तुम दोनों ने क्लास में सभी सवाल का जवाब कैसे दे दिया। चीटिंग करते हो चलो सबके सब प्रिंसिपल सर के पास आज तुम सबको मुर्गा बनना पड़ेगा। अरे योके अब तुमने सबको बेवकूफ बनाया। सर ऐसा कुछ नहीं है जैसा ये लोग समझ रहे हैं। आ, सर हमने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। अरे तो तुम इतने ज्ञानी कैसे हो गए? सर आज सुबह जब आपकी गाड़ी खराब हो गई थी तब हम दोनों वहीं थे और आपके डर से हमने नोटबुक खोलकर अपने चेहरे के सामने रख ली ताकि आप हमें देख ना पाए। और सर लकीली जो पेज हमने खोला था उस पर वही सवाल के जवाब थे। पार्टनर ये चेरापूंजी नाम की एक जगह है जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। कितना मजा आता होगा ना वहाँ बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं। और ये देख हिस्ट्री पानीपत की लड़ाई 1761 और लकीली वही सवाल सर ने पूछ लिया। और वो खाने का क्वेश्चन वो तो सुबह मम्मी ने चूरन देते समय बताया था। हाँ सर हमें चूरन ने नहीं हमारी किस्मत ने बचा लिया। बद्रीनाथ तुमने जब सभी बच्चों से ट्रीट ली तब क्यों ना बताई ये बात? सर फ्री की ट्रीट कोई छोड़ेगा क्या? ध्यान रखो बालको लाइफ में सब कुछ मेहनत से मिलता है चूरन जैसा कोई शॉर्टकट ना हुए। चलो अब जाओ सब अपने अपनी क्लास में और दुबे जी कल फिर से ये टेस्ट लेंगे तो सबके सब पढ़ाई करके आना कल ठीक है? यस सर। हाँ सर। पार्टनर राठी सर ने कुछ ज्यादा हेवी बातें कही हजम नहीं हुई। अरे खाने के चूरन से बात कैसे हजम होगी? एक बात बताओ
ये सारी गड़बड़ है ना उस मेगा रोबोट की वजह से हुई। वो कैसे? ना कल वो मुझे गेम में हराता और ना मेरा पेट खराब होता। हाँ, और ना तू चूरन लेके आता। और ना होता ये चूरन का चक्कर। एकदम लल्लंटा। क्या दोस्त, रॉकेट को भी आज ही खराब होना था। लेकिन अच्छा ही हुआ, वरना हम इस शानदार सवारी का मजा नहीं ले पाते। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू 26 जनवरी की परेड में चल रहा है। अरे ये उस परेड से कम थोड़े ही है। ऐसे तो राजा महाराजा अपने महल जाते थे जैसे आज हम स्कूल जा रहे हैं। राजा धीराज, बुद्ध देव और बद्रीनाथ की। अरे जय जयकार बाद में करना, पहले इसको बोल कि मुझे पूंछ ना मारे। ये पूंछ नहीं मार रही बल्कि पूछ रही है कि हाउ आर यू। थैंक यू माय फ्रेंड, अगर आज तुम लिफ्ट नहीं देती तो हम लेट हो जाते। ठीक है चल अब जल्दी। इतना चलने के बाद इसका पेट्रोल खत्म हो गया। ये ले खा ले। और चाहिए? अरे तूने मेरा भी टिफिन खिला दिया, अब हम क्या खाएंगे? बच्चों कल जो हमने भैंस पे निबंध लिखने के लिए कहा था कौन कौन लिख कर लाया है? अरे वाह, आज तो इन दोनों ने भी होमवर्क किया। दिखाओ जरा अपनी कॉपी। ये क्या है? सर आपने कहा था ना भैंस पे निबंध लिखना है, तो मैंने लिख दिया। अच्छा बुरा। अरे वाह, इसे कहते असली दोस्त। ये हमें लिफ्ट देने के लिए सुबह से हमारा वेट कर रही है। हाँ ये बात तो है, अब तो मैं भी मान गया कि यही हमारी बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड। पार्टनर तुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है क्या? क्या? यही कि हमारी फ्रेंड जमीन पे गिरा हुआ खाना उठाकर खा रही है। नहीं दोस्त, जमीन पर पड़ा खाना गंदा होता है जिसके खाने से पेट खराब हो जाता है। चल इसे हरा भरा लल्लंटा खाना खिलाते हैं। खाओ खाओ और खाओ, अपने पास पूरा पेड़ है। पार्टनर जैसे सबका नाम होता है वैसे ही हमारी इस दोस्त का भी कोई नाम होना चाहिए। हाँ बात तो सही है, तू चल कोई अच्छा सा नाम सोचते हैं। सबीना। अरे नहीं दोस्त, सबीना नाम रखेंगे तो ये अपना डिसिप्लिन दिखाती रहेगी। तो फिर इसका नाम जीवा रख देते हैं। अरे ये भैंस है, भैंसा नहीं। ओ, हाँ। ज्ञान रखते हैं इसका नाम। अरे तो फिर ये पढ़ने लग जाएगी और ज्ञान जैसी बोरिंग हो जाएगी। तो फिर कुछ अलग सोचते हैं। ओए सिंड्रेला नाम कैसा रहेगा? अरे वाह एकदम लल्लंटा। अरे ये नाम तो इसको भी पसंद आया है ना सिंड्रेला। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। तो पलट ना।
थैंक यू सिंड्रेला। दोस्त मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ मुझे भी, बहुत दिनों के बाद नहाया है ना। अरे उठ जा, अपनी सिंड्रेला नहीं है। कहाँ गई? पता नहीं, चल देखते। सिंड्रेला, 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 पार्टनर, हमारी सिंड्रेला जरूर इसमें होगी। हाँ चल देखते हैं। मुझे तो सारी भैंसें एक जैसी नजर आ रही हैं। अरे कोई बात नहीं, सबकी सूरत एक है लेकिन नाम तो एक नहीं ना। सिंड्रेला। रुको अभी दिखाता हूँ। यार बद्री, मुझे सिंड्रेला की बहुत याद आ रही है। मुझे भी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। बुद, कुछ सुना? हाँ सुना, लगता है कोई घंटी बजाकर पूजा कर रहा है। अरे ये पूजा वाली घंटी नहीं, अपने सिंड्रेला के गले की घंटी है। अरे हाँ, मतलब अपनी सिंड्रेला यही कहीं आसपास है। दोस्त आवाज वहाँ से आ रही है, चल देखते। दोस्त लगता है सिंड्रेला को किसी ने उस कोठी में बंद करके रखा है। हाँ चल उसे छुड़ाते हैं। डर मत सिंड्रेला, अब हम आ गए हैं। हाँ अब हम तुझे छुड़ा कर ले जाएंगे। तो इस आदमी ने हमारी सिंड्रेला को हमसे अलग किया, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अरे उसे बाद में देखेंगे, पहले ये सोच सिंड्रेला को बाहर कैसे निकाले। ये मुझे किसने बांधा? सिंड्रेला, चलो हम तुम्हें लेने आए। खबरदार, जो मेरी भैंस को ले गए। अरे ये तुम्हारी भैंस नहीं, हमारी भैंस फ्रेंड है सिंड्रेला, समझे क्या? रुक जाओ, भाग यहाँ से। सिंड्रेला भाग। लगता है उस आदमी का तैरना नहीं आता।
अरे तैरना तो हमें भी नहीं आता, लेकिन हमारी भैंस फ्रेंड के होते हुए हमें पानी का डर कैसा। सिंड्रेला तो हमारी रॉकेट से भी अच्छी है। वो कैसे? क्योंकि ये सड़क पे भी चलती है और पानी पर भी। तो बच्चों, जैसे तुम्हारे शरीर के पार्ट्स हो गए, वैसे ही कंप्यूटर के भी पार्ट्स हो गए हैं, और जो टीवी सा दिख रहा है उसे कहते हैं मॉनिटर। अब एक बात बताओ बच्चों, अच्छा वाला चलता हुआ कंप्यूटर अगर अचानक से अटक जाए तो उसने के कहे हैं? सर। हाँ हाँ भाई बोलो ज्ञान। उसे हैंग होना कहते हैं, और ये वायरस की वजह से हो सकता है। अरे वाह, वेरी गुड, एकदम सही जवाब। दोस्त, ये वायरस क्या होता है? वायरस एक कीटाणु होता है जिसकी वजह से कंप्यूटर खराब हो जाता है, समझा? जैसे मैथ की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त मेरा दिमाग खराब हो जाता है वैसे। पार्टनर, कंप्यूटर में भूत। हाँ, भूत? ओह नो, भूत ने कंप्यूटर बंद कर दिया। अरे क्या कर दिया तन्ने? अरे यो मॉनिटर बुझ क्यों गया? सर हमको नहीं पता, हम तो बस पढ़ाई कर रहे थे। ये लोग दोनों कंप्यूटर पे ही थे, चलू गेम खेल लेते। अरे कंप्यूटर पर होते तो कंप्यूटर टूट नहीं जाता। तू अपना काम करना, अपनी लंबी नाक दूसरों के काम में मत डाल। अरे शांत हो जाओ बालको, और प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढो, लड़ने से काम ना होगा। सर। अब बोल ज्ञान, अब कौन सा जवाब है तेरे पास? सर, बद्री और बुध की कंप्यूटर में वायरस घुस गया है। वायलेट कंप्यूटर के अंदर नहीं, बाल है। बदली वायलेट और बुध वायलेट। सर मैं एक मिनट के अंदर कंप्यूटर का वायरस निकाल सकता हूँ, आइंस्टाइन की कसम। कंप्यूटर का वायरस निकाल दे भाई, अगर निकाल सके तो। इंजेक्शन लगाना पड़ेगा क्या? ये है जीनियस। सर इट्स डन, एज गुड एज न्यू। अरे भाई ज्ञान, तू तो जीनियस है। थैंक यू सर, दिमाग में मेरे भरा है विज्ञान, तभी तो मेरा नाम है ज्ञान। हमें पता था प्रिंसिपल जो है हम। पार्टनर, हम परसों बस रहे थे कंप्यूटर क्लास में, अपनी तो मिट्टी हो गई सबके सामने, जीवा ने तो हमें वायरस भी बुलाया। हाँ पार्टनर, ये अच्छी बात नहीं है। तो अब क्या करें? सोचने दे, सोचने दे। आइडिया, जैसे ज्ञान ने हमारे कंप्यूटर में से वायरस को निकाला, वैसे ही हम बाकी सारे कंप्यूटर से वायरस निकालेंगे, और फिर सब देखेंगे कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। वाह, अच्छा आइडिया है, लेकिन हम कंप्यूटर में से वायरस निकालेंगे कैसे? जैसे डॉक्टर बीमार पेशेंट में से वायरस को निकालता है। तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे हम सारे कंप्यूटर? नहीं, डॉक्टर जाएंगे कंप्यूटर के पास। अब क्या करें? अरे अब तो कंप्यूटर खोल के अंदर से वायरस निकालना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं वैसे। ये है वायरस, मिल गया। लेकिन पार्टनर, ज्ञान ने तो कंप्यूटर बिना खोले ही वायरस निकाल दिया था। उसने बस ऊपर ऊपर से ही सफाई कर ली प्रिंसिपल सर को इम्प्रेस करने के लिए, असली काम तो हमने किया है। वाह, चल अब सारे कंप्यूटर्स में से वायरस निकाल देते हैं, और कल हम जीरो से हीरो। तो बच्चों, आज सीखेंगे कि कंप्यूटर पे ड्राइंग कैसे बनाते हैं। इसमें सीखना क्या है? पार्टनर, पेंसिल निकाल। अरे कंप्यूटर के ऊपर नहीं भाई, इसके अंदर।
अरे पहले अपना कंप्यूटर तो स्टार्ट कर लो। अब जब कंप्यूटर सटा सट चलेगा तो इन सबको हम बताएंगे कि इनका वायरस हमने निकाला। सर, हमने बटन दबाया पर ये स्टार्ट नहीं हो रहा। मैंने भी स्टार्ट किया, मेरा भी स्टार्ट नहीं हो रहा है सर। हमारा भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। सर, मेरा कंप्यूटर तालू नहीं हो रहा है। अरे पार्टनर, कंप्यूटर तो ठीक हो जाने चाहिए थे। एक साथ सारे कंप्यूटर कभी खराब नहीं हो सकते, ये जरूर किसी की शैतानी है। सर, इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट गायब है। ओहो, चोरी? स्कूल में चोरी? अगर पता ना चल पाया कि ये किसने किया तो पुलिस बुलानी पड़ेगी भाई। पद्री, मेरे दोस्त, अब क्या करें? पुलिस आ गई तो हम जेल में, फिर मेगा रोबोट को हम कैसे रोकेंगे? टेंशन मत ले, ज्ञान को बोलते हैं, वो वापस लगा देगा इनको कंप्यूटर में। ज्ञान? मेरे दोस्त, हमने वायरस समझ के कंप्यूटर में से ये निकाल दिया। ओह, तो तुम हो इसके पीछे, अब तो पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा करेगा तू दोस्त के साथ? तुझे जब सबने कंचे देने से मना कर दिया था तो किसने तुझे कंचे दिए? और जब सब तुझे बाथरूम में बंद करके चले गए तो किसने तुझे वहाँ से निकाला? हाँ, और याद कर, एग्जाम में जब तेरी पेंसिल टूट गई थी तो किसने तुझे अपनी पेंसिल दे दी थी? हमने ऐसा किया ताकि तू पास हो जाए। तुझे एक पेंसिल चाहिए थी, हमने दो दो दे दी। तू हमारा बेस्ट फ्रेंड है। हम सच में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो मैं करूँगा मेरे दोस्त। बदली और बुद्ध को फंसाने का इतने अच्छा तांत नहीं मिल सकता। तुम दोनों क्लास के बाहर नजर रखो, मैं सारे कंप्यूटर ठीक करके आता हूँ। थल थल, जल्दी चलिए, देखिए कंप्यूटर रूम में क्या हो रहा है। अब के और यास है, अब भी देखो। पार्टनर, प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। क्या करें, अब तो भाग भी नहीं सकते। आइडिया, बुक निकाल के पढ़ाई कर। पढ़ाई? अरे भाई वाह, तुम दोनों तो पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्यों भाई? जाओ क्लास में जाके पढ़ो। यस सर, थैंक यू सर। बेटा ज्ञान, ये कर रहा है? कुछ नहीं सर, बस कंप्यूटर ठीक। ओह नो। अरे फिर बच गए दोनों। पता ना था बदली और बुद्धदेव को, और फंस गया ज्ञान। अब क्या करेगा तू जीगा? युवा बनाएगा इन दोनों का टीमा। मिलते हैं लेके बाद। हाँ तो भाई बच्चों, बताओ कमांड की से क्या हुआ है? अब आएगा मदा। तुम दोनों तो पता है मेरे पास गेम का बाप है बाप। वाह, मेगा रोबोट हमें दे देना जीवा। नहीं, मेगा रोबोट मैं खेलूंगा। चल तू जा। Yes, अब हम खेलेंगे। यू क्या होगा, फिर से वायरस? सर, मैं ट्राई करूं? आजा अंदर आजा और ठीक कर इसने। वायरस का इलाज तो तेरे पास ही है। मेगा रोबोट, बद्रीनाथ, बुद्धदेव। सर, ये हमारी नहीं, जीवा की है। तल, मैं तो यही अपनी तीत पे बैठा हूँ। सर, ये तो वायरस की सीडी है, मगर किसी ने उल्लू बनाने के लिए इस पर मेगा रोबोट लिखा हुआ है। मेगा रोबोट को
मेगा लोबोटो एक ही स्टूडेंट लिख सकता है। लगता है गलबल हो गई। मतलब वायरस है जीवा का और उसको डालने वाले हैं बद्री और बुद्धदेव। और ये तीनों खुद ही वायरस से कम ना है, सब पता है हमने, प्रिंसिपल है हम। और आज के बाद कंप्यूटर क्लास में गेम शेम बंद। और तुम तीनों क्या हो? हम हैं मुर्गे। जो भी है यार, इस वायरस की वजह से हम बच गए। अरे कहते बते, यहाँ मुर्गा बना हुआ हूँ मैं और तू बोल रहा है बच गए। अरे गेम के बिना कंप्यूटर क्लास तो बिल्कुल बेकार होती है। वहाँ बाकी सबको कंप्यूटर पढ़ना पड़ रहा है और यहाँ हम ऐश कर रहे हैं। एकदम लल्लन टॉप। बात तो तई कर ले हो, यहाँ तक में लल्लन टॉप है। अरे बद्री आराम से, ये साइकिल है घोड़ा नहीं। और तू पूरा डरपोक है, थोड़ा नहीं। यार बद्री तू तो बड़े जोश में है आज, ऐसे साइकिल चलाना कहाँ से सीखा? हॉलीवुड से। हॉलीवुड? हाँ, कल मैंने ना एक हॉलीवुड फिल्म देखी रेसिंग पे। क्या स्पीड थी, क्या एक्शन था, क्या स्टंट्स थे, क्या ओवरटेकिंग थी यार। मेली ओवरटेकिंग देखी है? मेली नहीं, लेटिंग टाइकल को अलग ही दिखा। यार ये तो ओपन चैलेंज दे रहा है। कोई बात नहीं दोस्त, इसकी नई साइकिल का गम नहीं, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। धूम धूम। यहाँ तो ही नहीं है चैंपियन मेले थीवा, मैं हूँ नंबर वन एंड माय नेम इज जीवा। मुझसे पंगा मत लेना। ए ज्यादा उछल मत, आज तो तू जीत गया, पर इस साल के साइकिल रेस कंपटीशन में तो हम तुझे हरा कर रहेंगे। हमारे स्कूल में ऐसी कोई लेट नहीं होती। है? बद्री क्या ऐसी कोई रेस नहीं होती? अरे छोड़ ना यार, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, किसको रेस करनी है हाँ। अगर हम राठी सर को ये आइडिया बोल दे तो हमें एक दिन और पढ़ाई से छुट्टी मिल जाएगी। हाँ लल्लन टॉप। आइडिया? हाँ सर आइडिया, आपकी ट्रॉफी कलेक्शन में एक और ट्रॉफी ऐड करने का आइडिया। सर हमारे स्कूल में सब कंपटीशन होते हैं, टेनिस से लेकर क्रिकेट तक, डिबेट से लेकर स्विमिंग तक, कुकिंग से लेकर रनिंग तक, पर रेसिंग इज मिसिंग सर। रेसिंग? अरे अभी तो तुम लोग घने छोटे हो, अभी तो गाड़ी का लाइसेंस भी ना मिलेगा तुम लोगों को। अरे नहीं 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 नहीं, हम कार रेसिंग नहीं साइकिल रेसिंग की बात कर रहे हैं ना सर। साइकिल रेसिंग? हाँ आप इस साल से ना शुरू कर दीजिए अपना स्कूल साइकिल रेस, जो जीतेगा उसे ट्रॉफी दे देना और फिर वापस लेकर यहाँ रख देना। हाँ आइडिया तो बड़ा अच्छा दिया रे भाई तुम दोनों ने। हैं दुबे जी अगले हफ्ते साइकिल रेस होगी, तैयारी शुरू कर दो। जैसा आप कहें सर। अरे तुम इतना फास्ट मत चलाओ। मैं फास्ट नहीं चला रही, तुम स्लो चला रही हो। सब कितनी मेहनत कर रहे हैं, लगता है इनमें से जरूर कोई ना कोई जीतेगा। ओए वो देख करण की साइकिल, चल आजा देखते हैं। लल्लन टॉप, क्या मस्त साइकिल है करण। मेरे पापा जर्मनी से लाए थे, स्टंट्स बाइक है। तो कुछ स्टंट करके दिखाना।
आउच। ज्ञान, ये साइकिल है या स्पेसशिप? जैसे मैथ्स में एक्स और वाई में कनेक्शन है, वैसे ही ज्ञान का विज्ञान से रिलेशन है। वो तो है। गधे पे आदमी सवारी करते तो देखा था, पर गधा साइकिल पे सवार है आज पहली बार देख रहा हूँ। तो भाई कैसी चल रही है सबकी प्रैक्टिस? बहुत अच्छी, बल ये दोनों टाइम पास कर ले। नहीं सर, बस अभी अभी ब्रेक लिया है। हाँ ये देखिए सर, प्रैक्टिस कर कर के कितना पसीना आ रहा है। मंडे को ये पता चल जाएगा कि किसने कितनी प्रैक्टिस की है। जीतने वाले को तो सोने की ट्रॉफी मिलेगी, पर लास्ट आने वाले को सबकी साइकिल साफ करनी पड़ेगी भाई। बहुत दही। अब साइकिल रेस शुरू होने वाली है। जो सबसे पहले इस ग्राउंड का 10 चक्कर लगाएगा वो होगा विनर, और उसको हम देंगे ये सोने की ट्रॉफी। सोने की ट्रॉफी कितने कैरेट की है सर? 22 की 24? फालतू की बात ना कर दुबे, बच्चों की ट्रॉफी है, सोने का तो सिर्फ पानी लगा है। सब तैयार? 1, 2, 3। सब लोग आगे चले गए पार्टनर। वैसे भी जीत के क्या होने वाला है? हाँ, ट्रॉफी तो राठी सर के पास ही रहेगी ना। चल फास्ट चला, रमेश तुझे 2 राउंड के बाद रिप्लेस करेगा। अले बदबू, मेरा 1 राउंड तो पूरा हो गया, जरा दो लगाओ, खाना नहीं खाया क्या? बुद, थोड़ा पानी दो ना, प्यास लगी है। ये तो मैं ही दी दूंगा। सब थक गए होंगे, हम डेफिनेटली रेस जीतेंगे। पार्टनर, मैं तो थक गया हूँ यार। हाँ, और भूख भी लग रही है। तो निकाल कुछ खाने के लिए। पार्टनर, ले पॉपकॉर्न खा। जीवा, पॉपकॉर्न खाएगा? ये ले। मम्मी, मम्मी, मैं गिर गया। बच गया, सारे पॉपकॉर्न गिर जाते। ये इतने सारे कौवे कहाँ से आ गए? ये तो हमारे पॉपकॉर्न खाना चाहते हैं। भाग! पार्टनर, पॉपकॉर्न दे दे उनको। नहीं, मैं मेरे पॉपकॉर्न नहीं दूंगा। अरे पार्टनर, पॉपकॉर्न फेंक दे, नहीं तो ये हमें खा जाएंगे। पॉपकॉर्न मुझे नहीं चाहिए। नो, आई डोंट वांट टू ईट दिस, तुम ही लो। तुम्हें तो पता है आई डोंट लाइक पॉपकॉर्न। अरे पार्टनर, ये तो फिर आ गए। पॉपकॉर्न फेंक दे यार, पॉपकॉर्न फेंक दे। हाँ?
हूँ। कौवे को भी पॉपकॉर्न पसंद है, मुझे पता नहीं था। ये वाह बच्चों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश, ये ट्रॉफी तुम्हारी है। पार्टनर ट्रॉफी। हाँ पार्टनर ट्रॉफी। हाँ भाई ट्रॉफी लाओ और इसको मुझे दे दो, मैं संभाल कर रखता हूँ इसे, आखिर प्रिंसिपल है हम। तुम क्या करोगे इस ट्रॉफी का? एक काम करो, ट्रॉफी मुझे दे दो, मैं तुम्हें समोसा दे देता हूँ। समोसा ललन टॉप और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी। हाँ हाँ कोल्ड ड्रिंक भी। पटन कौवा। अरे बावड़ो, रेस खत्म और तुम आ गए प्रथम, क्योंकि प्रिंसिपल है हम। ये क्या पार्टनर, रॉकेट चला रहा है या बैलगाड़ी? भैंस भी अपने आगे निकल गई। ऐसे धीरे धीरे साइकिल चलाएगा तो हम आज फिर लेट हो जाएंगे। अरे मैं क्या करूं, रॉकेट में आज हवा कम है। तो चल भरा लेते हैं। अरे हवा भराएंगे तो स्कूल लेट भी नहीं पहुंच पाएंगे। अरे इससे तेज तो मैं दौड़ के पहुंच जाऊंगा। आज फिर 15 मिनट लेट हो तुम लोग। सर हमारी रॉकेट की हवा निकल गई थी। अच्छा आज फिर से बहाना, अभी हम तुम्हारी हवा निकालता हूँ, चलो मुर्गा बन जाओ। हाँ चलो फिर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 4। ये क्या, पीटी पीरियड में भी मुर्गे? ये तो ठीक ना है। क्या बात है दुबे जी, बुध और बद्री को मुर्गा क्यों बनाया है? ओहो ये तो मुर्गा ही बनने आते हैं स्कूल, हमेशा लेट। लेकिन दुबे जी रोज रोज मुर्गा बनाओगे तो ये हमेशा के लिए मुर्गे बन जाएंगे। तो आप ही बताइए सर, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता। लेकिन हमारी समझ में आ गया है, क्योंकि प्रिंसिपल हैं हम। तुम दोनों लाइब्रेरी में जाओ और वहाँ किताबों को ठीक से लगाने में लाइब्रेरियन की मदद करो। ध्यान से, इतना होने के बाद वहाँ आ जाना, ठीक है? यस मैम। अच्छा हुआ हमें किताबें सिर्फ अरेंज करने के लिए कहा है। हाँ, पढ़ने के लिए कहते तो हमारे लिए मुर्गे से भी बड़ी सजा हो जाती। अरे ये क्या किया तुम लोगों ने, तो मेरा काम कम करने के बजाय और बढ़ा दिया। चलो फिर से लगाओ सब किताबें और ध्यान से। अरे ये क्या है, डायरी? डायरी किसकी है? एम के राठी 1930। बाप रे, राठी सर इतने बूढ़े हैं? अरे ये अपने राठी सर की नहीं, राठी सर के दादाजी की डायरी है। 20 अक्टूबर आज हमें फिर पाठशाला पहुंचने के लिए देर हो गई। तुम दोनों आज फिर देर से आए। गुरुजी रास्ते में मेरी चवन्नी खो गई थी, उसे ढूंढने में देर हो गई। अच्छा और तुम राठी, तुम क्यों देर से आए हो? तुम्हारी अठन्नी गिर गई होगी? हाँ नहीं गुरुजी, मैं तो इसकी चवन्नी पे पैर रख के खड़ा था ताकि कोई और न उठा ले। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे, जाओ जाकर मुर्गा बनाओ।
अरे वाह, राठी सर के दादाजी भी हमारे जैसे ही थे। अरे चल, छुट्टी हो गई, कैंटीन चलते हैं। तू चल, मैं आता हूँ। अरे ज्यादा डायरी मत पढ़, डायरिया हो जाएगा। दादाजी, मैंने आपकी डायरी पढ़ी, आप भी बिल्कुल हमारे जैसे ही थे। अरे दादाजी ने स्माइल किया। पार्टनर ने मुझे स्माइल दी। किसने? सबीना ने? नहीं। तो क्या जीवा ने? अरे उसने भी नहीं। अरे तो क्या राठी सर ने स्माइल दी तुझे? अरे राठी सर के दादाजी ने स्माइल दी है। हाँ, दादाजी? अरे तू होश में तो है? दादाजी तो कब के स्टैच्यू हो गए। अरे उसी स्टैच्यू ने तो स्माइल दी है। क्या बुद्ध, लगता है भूख की वजह से तेरा दिमाग हिल गया है। चल बैठ, खाना खा ले। बद्री, मैं सच कह रहा हूँ। अरे तू फिर शुरू हो गया, अभी अभी खाना खाया है, थोड़ा सो लेने दे यार। देख, अब तो मेरा पेट भी भरा है ना, लेकिन मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि दादाजी के स्टैचू ने स्माइल दी थी। ओहो, तू ऐसे नहीं मानेगा। चल दिखा मुझे दादाजी की स्माइल। अरे यार, 10 मिनट हो गए खड़े खड़े, कब स्माइल करेंगे दादाजी? तू अकेला खड़ा है क्या? दादाजी भी खड़े हैं ना। एक काम कर, तू कोई जोक सुना, फिर देख दादाजी जरूर स्माइल करेंगे, है ना दादाजी? देख देख, दादाजी ने आँख मारी। तू क्या बोल रहा है? ना उन्होंने स्माइल दी और ना ही आँख मारी। क्या दादाजी, मेरे दोस्त के सामने आपने मेरी बेइज्जती खराब कर दी, एक स्माइल दे ही देते। जो मुझे जानते हैं, मैं सिर्फ उनको स्माइल करता हूँ। ये कौन बोला? मैं बोला दादाजी। अरे आप बोलने भी लगे दादाजी। हाँ, सिर्फ तुम ही मुझे सुन सकते हो। लल्लंटप। 8, 9, 10, सब लोग छुप गए ना, अब मैं आंखें खोल रहा हूँ। अरे कहाँ छुपे हैं सब? बुद्ध, मुझे पता है सब कहाँ छुपे हैं। वो देखो, उस पेड़ के पीछे बद्री और सबीना है। बरामदे में ज्ञान है और वो लड़कियाँ उस कमरे के पीछे, और वो मोटा लड़का मेरे पीछे छुपा है। थैंक यू दादाजी। जीवा। यस सर। बद्री। यस सर। बुद्धदेव। बद्रीनाथ, बुद्धदेव कहाँ है? पता नहीं सर। तो जाओ पता करो, और हाँ वापस भी आना एक क्लास में, समझे? दादाजी आप तो इतने अच्छे, फिर आपने ये स्कूल क्यों बनाया? क्यों, तुम्हें स्कूल पसंद नहीं है क्या? इतने सारे दोस्त हैं, लेकिन मुझे पढ़ाई पसंद नहीं, इसलिए दुबे सर मुझे बार बार मुर्गा बना देते हैं। ओए, तू क्लास बंक करके यहाँ स्टैचू के सामने बैठा क्या कर रहा है? दादाजी से बातें। क्या? अरे तू समझता क्यों नहीं? अगर किसी ने देख लिया तो सब तुझे पागल कहेंगे, पागल। जिसको जो कहना है कहे, क्योंकि दादाजी सिर्फ मुझसे बातें करते। क्लास बंक करने का अच्छा आइडिया है, लेकिन अब चल, वरना दुबे सर तुझे फिर से मुर्गा बना देंगे।
अरे वो मेरे दादाजी हैं, उन्होंने आज तक मेरे से ही बात नहीं की, तुम्हारे से कैसे करने लगे? शायद दादाजी आपसे नाराज होंगे सर। अच्छा, तो उनसे वो बातें पता करके बताओ जो सिर्फ उन्हें और मुझे पता है। दादाजी मेरे बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड आपस में कोई राज नहीं छुपाते। तो चलो हमारे सामने पूछ कर बताओ। दादाजी आपका वो कौन सा राज है जो आपके अलावा सिर्फ राठी सर जानते हैं? दादाजी प्लीज बता दीजिए ना, वरना राठी सर मुझे अपने स्कूल से निकाल देंगे। अरे इस मक्खन की ये हिम्मत, अगर ये प्रिंसिपल है तो इस प्रिंसिपल के दादा हैं हम। दादाजी अच्छा ठीक है, पास आओ बताता हूँ। वाह दादाजी। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े हमको बेवकूफ मत बनाओ। हाँ बताओ क्या राज है? दादाजी के दांत 40 साल की उम्र में टूट गए थे और उन्होंने नकली दांत लगाए थे। ये सच है, दादाजी का यही राज था जो सिर्फ मैं और वो जानते थे। सर ये झूठ बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या है, क्या है डायरी? एक मिनट, ये डायरी कैसी है? अरे ये तो दादाजी की डायरी है। देखा सर, यही पढ़ पढ़ के हमको उल्लू बना रहे थे, अब हम इनको मुर्गा बनाएंगे। नहीं दुबे जी, इनकी वजह से हमें हमारे दादाजी की पुरानी डायरी मिल गई, इसे छोड़ दीजिए। पार्टनर वो देख, लल्लन टॉप मेगा रोबोट का नया गेम एडिशन। हाँ पार्टनर, ये हुई ना बात। चल ये पोस्टर रख लेते हैं। अपना 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 स्कूल, सबसे प्यारा अपना स्कूल, हम सब छोटे। पार्टनर हम मेगा रोबोट के सबसे बड़े फैन हैं। हाँ पार्टनर, और अगर हमने सबसे पहले ये गेम नहीं खेला तो मेगा रोबोट को क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ पार्टनर, लेकिन हम स्कूल से निकलेंगे कैसे? एक आइडिया है, अपना कान इधर ला। एकदम लल्लंडप। दर्द है, अब नहीं जी सकता। देखो बुद्धदेव को क्या हो गया? बुद्धदेव, अरे देखो कोई बचाओ इसे। अरे क्या हो गया भाई? सर बुद्धदेव को चक्कर आ गया है। अरे दोनों हमेशा उल्टा सीधा चक्कर में लगे रहते हो, चक्कर तो आना ही था। इसे घर ले जाना पड़ेगा तभी ये ठीक होगा। एक मिनट, क्या यहाँ पर कोई गंदा सॉक्स पहन के आया है? ओ नो, नहीं, सॉक्स तो हम पहनता ही नहीं हूँ। गंदा सॉक्स क्यों? अगर बुद्धदेव गंदा सॉक्स स्मेल करेगा तो वो होश में आ जाएगा। अरे अगर ऐसी बात है तो माला मैं अपना थॉक देता हूँ जो मैंने एक हफ्ते से पहन कर रखा है। इसे सुनते ही वो उछलने कूदने लगेगा। रुको, ये क्या मजाक है मायरा? मजाक नहीं, ये हमारी दादी माँ का नुस्खा है। बहुत सही, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। लो मेला थॉक लो। यक्स, मैंने नुस्खा बता दिया, अब बुद्धदेव को सॉक्स तुम सुंघाओ। ये मैं तो कब से ऐसा करना चाह रहा था। अब आया उस मोदे के नीचे, ये ले। थूम मोदा। अरे ये नुस्खा तो थूम। मैं तो तुझे ठीक करके ही छोलूंगा।
मैं ठीक हूँ छोड़ो मुझे। देखिए सर, चक्कर खाने का कोई नया चक्कर है, फिर से बेवकूफ बना रहे थे सबको, गांव को मारना चाहते थे। वो अच्छा नहीं किया था ना, सजा तो मिलेगी। जाओ जाके मुर्गा बन जाओ दोनों के दोनों। वेरी गुड गर्ल्स। अब भाई सही समय पे सही नुस्खा बता दिया तुम दोनों ने। आखिर प्रिंसिपल है हम, पर मन ने भी उन उसका पता तो नहीं था। थैंक यू सर। तो बिंदिया जी एक काम करो, इनके नुस्खे पे एक दो स्पेशल क्लास ले लो। ओके सर, कल सब अपने अपने दादी से एक एक नुस्खा लेकर आएंगे। पार्टनर, ये अनुष्का लाने को क्यों बोल रहे हैं? अरे अनुष्का नहीं, नुस्खा मतलब घरेलू इलाज। कल मैंने होमवर्क दिया था ना आप लोगों को, दादी माँ का नुस्खा लाने वाला। Yes, तो कौन कौन लाया है? हम लाए। पार्टनर तू लाया है? यार मैंने तो सोचा था कि तेरी दादी माँ का नुस्खा ले लूँगा। मैं कौन सा लाया हूँ, अब क्या करें? ओके करण, सबसे पहले तुम बोलो। मैम, मेरी ग्रैनी ने कहा है कि अगर किसी का गला खराब है तो उसे थ्रोट स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अरे घरेलू नुस्खा बोला था, कोई लाया है घरेलू नुस्खा? यस मैम, मेरी दादी हर रोज 4 बादाम पानी में भिगोकर मुझे देती है, उससे मेरा दिमाग एकदम तंदुरुस्त रहता है। मैंने भी एक बार बादाम खाया था लेकिन मैं टेस्ट में फेल हो गया था। पार्टनर, घरेलू नुस्खों का भी साइड इफेक्ट होता है। मैडम, लो थोड़ा नींबू पानी पीने थे, वेट कम हो जाता है। तो तू खुद क्यों नहीं पीता है? बद्री। बद्रीनाथ, तुम्हारी दादी ने कौन सा नुस्खा बताया है? मेरी दादी ने बताया है कि अदरक और नींबू को पीसकर उसमें हल्दी और टमाटो सॉस मिलाकर गले पर नहीं सर पर लगाने से गंजे के सर पर बाल आ जाते हैं। वेरी गुड बद्री। ए तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कोई नुस्खा नहीं होता। होता है, मेरे घर पे आके देख, सबके सर पर बाल हैं, बड़े बड़े। ओके क्लास शांत हो जाओ। बुद्धदेव तुम बताओ। मेरी दादी ने भी वही बताया जो बद्री की दादी माँ ने बताया। बहुत हिचकी आ रही है। हिचकी में हालत हमारी पिचकी। अरे कोई नुस्खा बताओ, हमको इस हिचकी से बचाओ। उनको पूछो, उनकी दादी माँ के पास बहुत नुस्खे हैं। तुम दोनों के पास तो दादी माँ के नुस्खे हैं ना? दला इनकी हिचकी के लिए कोई नुस्खा दो। नुस्खे देने का टाइम होता है, ये खेलने का टाइम है। चलो यहाँ से। अच्छा तो ये बात है, लाठी थली डिसाइड करेंगे। जो नुस्खा तुम्हारी दादी ने बताया है वो गलत है या थई? जीवा, सच में वो नुस्खा दादी का नहीं था। ये नुस्खा नानी का था। बुद्धदेव की नानी के पास कमाल कमाल के नुस्खे हैं, एक से बढ़कर एक। हिचकी का भी है। सच्ची? मुच्ची, तुम्हारी हिचकी दूर करेंगे हम। हमारी हिचकी का कोई नुस्खा है? तुम्हारी हिचकी दूर करने का नुस्खा है। ये दिया था, यही था हमारी नानी का नुस्खा। अरे सच में हिचकी बंद हो गई? अरे हाँ यार, थत में। और क्या क्या नुस्खे बताओ ना। हमारे पास हर चीज का नुस्खा है, भूख बढ़ाने का नुस्खा, गरे होने का नुस्खा, दर्द भगाने का नुस्खा, लंबे होने का नुस्खा। बस ये समझ लो हमारे पास नुस्खों का भंडार है। हमारे ऊपर भी कुछ आजमाओ। हाँ अभी लो। ये गोरे होने का नुस्खा। मैं गोरा हो गया इतनी जल्दी। और ये पेट ठीक करने का नुस्खा। वाह, एकदम थाप हो गया पेट। और ये जल्दी जल्दी खुजली मिटाने का नुस्खा। अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा है। और ये सोने का नुस्खा।
अब ये एक नुस्खा दुबे थल के लिए भी ले लेते हैं। दुबे सर के लिए? हाँ, तुम तो जानते हो दुबे थल का दिमाग कितना गलम लेता है। अगर बुद्धदेव की नानी का नुस्खा यूज करके हम दुबे थल का दिमाग ठंडा कर दे तो लाइफ आसान हो जाएगी एकदम। हाँ, और हम उनके फेवरेट स्टूडेंट्स भी बन जाएंगे। सही सही। सुनो, एक नुस्खा और। जीवा, तुम्हारा पेट कभी नहीं भरता, अब किस चीज का नुस्खा चाहिए? मुझे दिमाग को ठंडा करने के लिए नुस्खा चाहिए। ठीक है, तुम्हें नुस्खा जरूर मिलेगा जीवा, पर आज नहीं कल नानी से नुस्खा बनवा के लाते हैं। थोड़ा सा ये दो चुटकी, तैयार। इस नुस्खे में क्या क्या डाल रहे हैं हम? इसमें है लाल मिर्च की चटनी, जिसको हम चार अंडे के साथ मिक्स करके अदरक लहसुन और नीम की पत्तियों के साथ उबाल रहे हैं। एकदम लल्लंटा पार्टनर। मैं इसमें ये डाल दूं? क्या है ये? पता नहीं। तो डाल दे। गुत्ता ठंडा करने वाला नुस्खा लायो। ये लो, ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड नुस्खा है नानी माँ का। ओके। अब हम ये दुबे थल के खाने में मिला देते, जब उनका दिमाग ठंडा हो जाएगा तब हम बताएंगे कि ये नुस्खा हमारा है। यदि अरे भाई, कोई हमको पानी दो। हाँ? एका, यहाँ तो कोई भी नहीं है, कैंटीन एकदम खाली पड़ा है। चलो हम खुद ही पानी पी लेता हूँ। अब दुबे थल एकदम ठंडे हो जाएंगे, फिर देखना कितना मजा आएगा। आज पता नहीं हमको इतना भूख काहे लग रहा है। हमने ठंडा होने का नुस्खा मांगा था, इन्होंने हमारे दुबे थल को गर्म कर दिया, इनको छोड़ेंगे नहीं। आओ आओ, बताओ नुस्खे ने असर दिखाया या नहीं? बहुत असर दिखाया, और इसीलिए हम थैंक यू कहने के लिए ये थमोथे लाए हैं। वैसे तो हमारा पेट भर चुका है। नहीं भरा, नहीं भरा। समोसे के लिए तो हमारा पेट और प्लेट हमेशा खाली रहते हैं। तुम लोग भी खाओ। नहीं नहीं, ये खा तुम्हारे लिए है। आया ना मदा, ये था हमारी दादी का नुस्खा। अरे, तेरी दादी के नुस्खे ने नानी याद दिला दी। मगर ये नुस्खा है किसका? तुम दोनों को उल्लू बनाने था।